अल्गोरा में इन दिनों किसान मेला चल रहा है और जिसमें एक स्टंट दिखाने वाला मौत का कुआं नाम से खेल भी चल रहा है। आमतौर पर मेले में ऐसे सर्कस देखने को ही लोग पहुंचते हैं, लेकिन जब बिना नियम कायदे की ओर सुरक्षा साधन के बिना ऐसे स्टंट किए जाते हैं और स्थानीय पुलिस मूकदर्शक बनी रहती है, तब सवाल उठना लाजमी हो जाते हैं। पुलिस के अलावा मीना बाजार प्रबंधन की लापरवाही भी सामने आ रही है। गौरतलब तो यह है कि जिसकी वजह से कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन यह बताने वाला कोई नहीं कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा अगर कोई हादसा हो जाता है और किसी की जान चली जाती है तो। ऑर्गेनाइजर जो है उसका देवाजीत उपाध्याय, इसके खिलाफ 279-337 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करना और दुर्घटना के कारण चोट पहुंचना, मामला पंजीबद्ध कर विचरण लिया गया। शशिकांत दिक्सेना हमारे साथ सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशिकांत, आप जिस तरह से हम पुलिस अधिकारी की बाइट सुन रहे हैं कि भाई अब हम तमाम चीजें हमारे संज्ञान में होने के बाद भी, क्या पहले ये आंखों पर पट्टी बांधे हुए बैठे हुए थे कि इनको तमाम चीजें दिख नहीं रही थी और कोई कार्रवाई नहीं की गई थी? पास ही में 100 मीटर में ही और नगर पालिका द्वारा इस मेले का आयोजन किया जा रहा था। मेला प्रबंधन समिति के लोगों को क्या कुछ कहना है कि कैसे बिना परमिशन किस तरह के आयोजनों की अनुमति दे दी जाती है? ये मेला प्रबंधन आप पैसों की बनकर बात करके आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ TI रघुनंदन शर्मा भी जुड़ गए हैं। शर्मा साहब, बहुत स्वागत है आपका और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, क्या कार्रवाई हुई रघुनंदन जी, क्योंकि तमाम जानकारी आपके संज्ञान में है, जाहिर सी बात है कि आप जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, तो अभी तक आपने क्या एक्शन लिया सर? हमने इस पर पता चला कि एक मौत के कुएं से एक मोटरसाइकिल चालक जो है वो गिरने से उसको चोटें आई है, हॉस्पिटल से उसका डॉक्टरी मुलाहजा कराया और कराने के बाद उनके ऊपर एक FIR दर्ज किया कि लापरवाही पूर्वक मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाकर दुर्घटनाग्रस्त होना। शर्मा जी, आपने FIR दर्ज किए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे है ना मौत के कुएं की अनुमति भी नहीं ली गई थी, तो अब किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है? हाँ, हमने इसमें 279 लापरवाही से वाहन चलाना और उसके जो ऑर्गेनाइजर हैं, उपाध्याय हैं, उसके जो मैनेजर हैं मौत के कुआं के, उनके विरुद्ध में 337 चोट आना, ये दोनों का मुकदमा दर्ज करके और FIR करके उनकी गिरफ्तारी किया है, मामले में चालान तैयार कर दिए हैं। रघुनंदन जी, मेला समिति पे भी FIR दर्ज की गई है और जो प्रबंधक हैं, जो कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, तमाम लोग हैं, क्या इन पे भी FIR में इनका भी नाम शामिल है? किसी की गिरफ्तारी हुई इनमें से? नहीं नहीं, उनके उनके नाम शामिल नहीं है और न ही उनकी गिरफ्तारी की गई है। सर, उनके नाम क्यों शामिल नहीं है? जी जी, बिल्कुल नहीं है शामिल उनके नहीं, नाम। मैं वही पूछ रही हूँ, शामिल क्यों नहीं किए गए, क्योंकि नामजद रिपोर्ट उनके क्यों नहीं दर्ज की गई? जी जी जी, चूंकि अब ये खेल और घटनाएं जो है, हमने कानूनी राय लिया अपने अधिकारियों से, तो कानूनी राय पर यही आया कि जो नहीं, चलाया रघुनंदन जी, क्योंकि देखिए जब रघुनंदन जी जिला प्रशासन से भी मेला समिति ने भी इजाजत नहीं ली कि मौत का कुआं के खेल जैसा एक कार्यक्रम का आयोजन, सुन लीजिए ना सर, शर्मा जी सुन तो लीजिए, आयोजन उन्होंने अनुमति लिया। शर्मा जी, मेरी तो बात सुन लीजिए, आप कानूनी दाव पे जानते हैं, आप मेरा सवाल तो सुन लीजिए थोड़ा। मेरा सवाल ये है कि जो समिति के जो लोग हैं, उन्होंने अनुमति कैसे दे दी, और जब उन्होंने SDM से ही इस मौत के कुएं की अनुमति नहीं ली, तो फिर यहाँ पे तो सीधा सीधा नामजद मुकदमा यहाँ पे मेला समिति के लोगों पर और प्रबंधक पर भी दर्ज होना चाहिए ना? नहीं, अभी तक तो मैं नहीं किया हूँ, और आप अगर करेंगे? आता है, मैं आएगा तो जरूर करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे अगर आता है तो, लेकिन मैंने अपने कानूनी सलाहकार, आप बने रहिए, आप मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ JB सिंह भी जुड़ गए हैं, CMO कटघोरा हैं। सिंह साहब, बहुत स्वागत है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। जी बताएं मैम। सिंह साहब, ये जो पूरा प्रकरण है कि कटघोरा में एक मेले का आयोजन किया गया,
किया जा रहा है जहां पर बिना परमिशन के मौत के कुएं का भी संचालन किया जा रहा है। ना मेला प्रबंधन समिति ने परमिशन ली एसडीएम से, ना ही कुछ, और फिर भी वहां पे एक मतलब ऐसी करतब दिखाते हुए एक जो चालक है वो घायल हो जाता है। क्या कार्रवाई सर? मैम हर साल जो है होता है यहाँ पे, पहली बार नहीं, नहीं पहली बार नहीं हो रहा है ये, मैं भी जानती हूँ, दर्शक भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हर बार होता है तो फिर परमिशन क्यों नहीं ली गई? बिना परमिशन के मौत का कुआं चल रहा है सर। वो मैंने मेरे संज्ञान में आया मैम, मैंने बंद करा दिया। सर बंद तो नहीं हुआ है? बंद हो गया, हो गया। लेकिन चलिए बंद हो गया मान लिया मैंने, लेकिन सर कैसे, हाउ कैन दैट पॉसिबल कि बिना परमिशन के मौत के कुएं का संचालन हो जाता है और एक हादसा भी हो जाता है? अगर ऐसे में किसी की जान चली जाए तो जिम्मेदारी किसकी बनेगी सर? बिना परमिशन के तो खैर होते ही नहीं है परमिशन। सर बिना परमिशन के ही तो चल रहा था ना, मौत के कुएं की तो परमिशन वहाँ पे ली ही नहीं गई और उसके बाद भी उसका आयोजन किया जा रहा था। सर इसमें जिला प्रशासन की लापरवाही नहीं दिखती आपको? क्या फाइन लगाया आपने और आपने लाया आपने और आपने बंद कराया है तो किन धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है? क्या वैधानिक प्रक्रिया को अपनाया गया? नहीं जानकारी भी, बस मेरा जो था मैंने बंद करा दिया बस। सर बंद तो करा दिया, बंद करा देना कोई सोल्यूशन नहीं है। क्या कार्रवाई आपने बंद कराने के साथ ऐसी क्या नजीर पेश की कि आने वाले वक्त में बिना परमिशन के इस तरह की किसी भी मेले में दूर दूर तक कोई भी चीज संचालित ना हो, इसके लिए आपने क्या वैधानिक एक्शन लिया, क्या कार्रवाई? कहना चाह रहा हूँ मैं, परमिशन के लिए बिना परमिशन के फिर नहीं चलता है, हो सकता है डिले रहा हो परमिशन देने में या जो भी हो, बिना परमिशन के तो हो ही नहीं सकता। सर बिना परमिशन के चल रहा है आप मानने के लिए तैयार नहीं? हमारे साथ हमारे सहयोगी जो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं उनसे ही पूछ लेते हैं और आपको एक बार फिर से जानकारी आपकी पुख्ता करा देते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि जरा सर को बताएं यहाँ पे सीएमओ जेबी सिंह को कि बिना परमिशन के ये मौत का कुआं चल रहा था, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जी बताना चाहूंगा कि वहाँ जो मेला है नगर पालिका खुद आयोजन करते हैं और किसी तरह की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। सुन लिए सर, सिंह साहब नगर पालिका के द्वारा आयोजन किया जाता है, यहाँ पे तो नगर पालिका की पूरी पूरी जो लापरवाही है वो सामने नजर आ रही है, मतलब जिला प्रशासन ही पूरी तरह से क्या उसको कोलैप्स हो चुका है सर। जो व्यवस्था हमको दी गई मैम साफ सफाई की और शाम को हमारे स्टाफ वहाँ पे रहते हैं, ऐसा नहीं क्या, क्या अब आपके संज्ञान में आ गया ना सर, अब किस तरह से जाँच की जाएगी? नहीं पता करेंगे मैम, अभी वही रटा रटाया जवाब सिंह साहब, पता करेंगे, पता कीजिए फिर उसके बाद हम दोबारा आपसे कांटेक्ट करते हैं, फिर हम आपसे पूछेंगे कि भाई क्या कार्रवाई की। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। हमारे साथ टीआई भी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया और हमारे सहयोगी उनका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अशोकनगर जिले के आदिम जाति कल्याण